नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। समाजवादी परिवार में घमासान कम करने के लिए आज दिग्गजों संघ मुलायम की मीटिंग, अखिलेश भी करेंगे समर्थकों के साथ बैठक। वहीं अखिलेश के समर्थन में आए रामगोपाल यादव का कार्यकर्ताओं को लेटर, कहा सीएम का विरोध करने वाले विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। जम्मू में बीएसएफ के बहादुर सिपाही गुरनाम सिंह शहीद, पाक रेंजर्स की गोलीबारी में हुए थे जख्मी, हीरानगर में घुसपैठ की कोशिश को किया था नाकाम। कालेधन कुबेरों के खिलाफ हो सकती है सर्जिकल स्ट्राइक, पीएम मोदी ने कहा बिना सर्जिकल स्ट्राइक के बाहर आया 1,00,000 करोड़ रुपए, सर्जिकल स्ट्राइक किया तो कितना आएगा। अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकवादियों के खिलाफ आईएसआई ने नहीं लिया एक्शन तो वो खुद करेगा कार्रवाई। दिल्ली में बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी, हौज खास किरण पार्क में 17 बत्तखों की मौत के साथ अब तक 40 से ज्यादा पक्षियों की मौत, केंद्र ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। कबड्डी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, ईरान को 38-29 से हराकर लगातार 8वीं बार कबड्डी विश्व कप का विजेता बना भारत। और मोहाली में न्यूजीलैंड से तीसरा वनडे आज, 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीम। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।